बल्लर असल माई यूटी फ़ैमिली कैसे हैं जी साहब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं शुक्र अल्लाह ताला का तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे रोज़े जा रहे हैं और देख लें पता भी नहीं चला आखिरी अशरा भी आ गया यकीन करें कहते हैं कि रमज़ान आ रहा है रमज़ान आ रहा है तो माशा से ऐसे आराम से रमज़ान गुजर गया पता भी नहीं चला यकीन करें तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा भी रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है आई होप कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा और सब ने कोशिश की होगी कि रमज़ान में अपने लिए कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर इंसान करे के ता कि ताकि आने वाले साल तक उसकी नेकियां जो है ना उसके हिस्से में आती रहें तो आज माशाल्लाह से हम लोग जा रहे थे बाहर कशफ और मैं तो थोड़ी सी एक ही चीज़ अब लेनी होती है ना एक चीज़ भी लेनी हो तो उसके लिए भी मैं कहती हूँ कि आपको जाना पड़ता है मैं दो दफ़ा गई हूँ और मैं दोनों दफ़ा वो चीज़ भूल गई हूँ घर मुझे याद होता था कि ये लेना है लेकिन वहाँ पर जाके मैं भूल के आ जाती थी तो अब मैंने कहा कि जाना ही पड़ेगा वो चीज़ उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा पर मैं आया तो मार्केट में कभी कभी कहते हैं ना कि अगर आपने एक भी चीज़ लेनी हो तो ना उसके लिए भी आप ना आपको जाना ही पड़ जाता है बटर मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि मुझे बटर चाहिए होता है सुबह भी ब्रेड वगैरह पे लगाने के लिए तो वैसे भी कुछ बनाना हो कभी कभी आपको चाहिए होता है तो वो एक चीज़ लेने के लिए मैंने कहा चलो रश देख लें कितना है इधर मार्केट फुल हुई हुई है इधर तो मैंने कहा बटर ले, ले लेते हैं इधर से किधर है बटन हाँ वो कौन से वाला ये वाला बनाए कौन आई डोंट नो अभी तो मुझे कोई याद नहीं है कौन सा लेते हैं ये ले लेते हैं ब्रिटिश है? हाँ हाँ हम ब्रिटिश ही लेते हैं। क्यों बिकॉज बाय आई थिंक ये लेते हैं बटरफ्लाई हेवनली बटरफ्लाई बटर बटर हाँ ये वाला गाइस हम लेते हैं क्योंकि ऊपर पड़ा है आई थिंक डेट चेक करनी पड़ेगी इसकी

गाइज ले लिया अभी बस बटर ही लेना था तो जैसा कि मैंने बताया इसकी तो गेम अभी ख़त्म ही नहीं हो रही नहीं भी नहीं। तो उस दिन हम गए हैं जब लाइबा लोगों के घर उधर ये खेले हैं सारे तो वो कह रही है कि मुझे इतनी वो लाइक दोबारा से मेरी यादें ताज़ा हो गई <laughs> मैं भी गाइज बड़ी खेलती थी इतनी खेलती थी ना ये हमें उस वक्त आदत पड़ी थी जब कोविड आया था वो कोविड में हम खेल खेल के पागल हो जाते थे हाँ एड बॉल पूल भी और ये भी इतना हम थी तो इतना हम खेलते थे इतना हम खेलते थे बस हम टेल पे जाने लगे हैं तो फिर बाहर जाके बाकी बात करते हैं कि कैसे खेलते थे हम ओ नहीं होना चाहिए। में। ये वो खाली है नेक्स्ट तो इधर करते हैं फिर और चलते हैं ले लिया ये देखें इसकी एक बटर की कितनी बड़ी पर्ची बटर लिया डब्बा देखे कितना बड़ा है बहुत <laughs> इस बटर के डब्बे की देखे पर्ची देखे कितनी बड़ी है इसके लिए हम, इसके लिए हम ले आए थे।, थे।, थे तो अभी जा रहे हैं घर और जब भी आते हैं ना पता नहीं रमजान की वजह से गाड़ी लगाने की भी यहाँ पे जगह नहीं होती इतना रश होता है और सारी हमारी आवाम ये देखे नजर आ रही होगी आपको इधर तो गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं होती और वेदर को देख ले माशा से तो वेदर जो है देखे सामने लेकिन नाइस है इतने मूड इतना मूड चेंज हो गया ना गाइज यकीन करे, इतना अच्छा मूड हो गया क्योंकि ठंड नहीं है ठंड की वजह से आप जो होते हैं ना आपके वो एनर्जी जो होती है ना वो आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो आज हमारे में इतनी एनर्जी है ना कि इतना अच्छा मूड हो गया ना मैं कह सबको सुबह भी हम जब निकले आएंगे देखें यहाँ से ट्रेन हर रोज आती जाती है एक आ रही होती है और एक जा रही होती है अभी यकीन उधर से जाने के लिए भी तो नॉर्मली जाती है दोनों जाती हैं एक वो होती है ना जो क्या हो गया भाई? देख जो तो गाइस आ चुके हैं गाड़ी में अब चलते हैं घर और घर जाके देखती हूँ आज क्या कुकिंग करनी है आज भी जैसे कि मैंने बताया आज की वीडियो में मैंने बताया कि ये देखिए फिर जा रही है ट्रेन कभी आ रही होती है कभी जा रही होती है तो जैसा कि मैंने बताया आज की वीडियो में भी खाने की जो है ना रूटीन थोड़ी हमारी एंड पे आके चेंज हो गई आई थिंक सबके साथ ही ये हो रहा होगा कि जो कुछ आप शुरू में खा रहे हो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है इफ्तारी में भी और सैरी में इफतारी में भी देखें पिज़्जे वगैरह छोड़ दियाँ जिस शान लोगों ने कि हमने पिज्जे नहीं खाने तो इसकी अभी जा रही है आई थिंक ये देखें इसकी गेम अभी तक जा रही है इसकी तो मेरा खुद इतना दिल कर रहा है इसको देख के कि मैं भी खेलूँ कल मैंने खेली कल मैंने भी खेली क्योंकि आप थक जाते हो सारा दिन बोर हो जाते हो उस पारा कुरने कितना पार, सा आपने पढ़ना है नमाज पढ़ा ली तो फिर अभी फ्री अगर हो, हो क्योंकि सारा दिन तो आपने कुकिंग नहीं करनी होती ना मैं अब तकरीबन तीन चार बजे चार बजे शुरू करती हूँ कुकिंग क्योंकि इतनी ज्यादा कुकिंग करनी नहीं होती कार भी लो अगेन ट्रेन जा रही है तो कुकिंग कार भी लो तो खाता कोई है नहीं है कल वाला पुलाव मैंने बताया कि अभी तक पड़ा हुआ है और खाने की जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है हैबिटिट सबकी तो अब देखती हूँ अब आज मैं क्या बनाती हूँ आज वैसे मैंने पाफ पेस्ट्री के साथ बनानी है एक रेसिपी तो दो दिन पहले मैं लाई थी अभी तक नहीं मैंने बनाई आज मैं बनाती हूँ मीठी चॉकलेट वाली ना बड़ा अरसा हो गया मैंने काफ़ी दफ़ा ना जो शॉर्ट पे लगाई हुई है इसकी तो आज मैं बनाऊँगी इन तो और देखती हूँ आज नया क्या बनाना आज वैसे उसामा के पकौड़े भी कशप बनाने हैं उसके इतने दिन हो गए वो बनाए नहीं पताते जिनको बोलते हैं जो सबके घरों में तकरीबन बनते हैं हाँ सिर्फ़ आलू के जो होते हैं तो वो बनाऊँगी आज जी तो उसके बाद फिर हम लोग अब आ गए थे घर आते ही तो मैंने ये काम नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि इतनी जल्दी बनाने का फायदा कोई नहीं होता ये थोड़ा ये होता कि थोड़ी देर पहले बने हुए तो फिर भी फ्रेश होती हैं चीज़ें और ये चीज़ें जो होती हैं ना फ्रेश ही अच्छी लगती हैं अब मैं पफ पेस्ट्री से बनाने लगी थी ये देखें सबसे मैंने आलू बॉयल किए हुए जो लिए हैं वो सबसे पहले फिर उसके अंदर मैंने सबज मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं नमक डाला है कुटी मिर्चें डाली हैं ब्लैक पेपर डालूंगी और इसके अंदर मैं चीज़ भी ऐड करूँ ये इस तरह का है ना जैसे स्नैक टाइप होता है ये देखें ढेर सारा धनिया भी इसके अंदर मैं डालूंगी तो पोटैटो और चीज़ के जो है ना वो मैं स्नैक टाइप जो होते हैं ना वो बना लूँगी तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बेस्ट आइडिया होता है तो जैसे आप अपने लिए मतलब कुछ और खाना बना रहे हो तो बच्चों को भी खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ बंदा बना के दे सकता है बच्चों को स्कूल भी जाते हुए दे सकते हैं वैसे भी बच्चे घर में भी मतलब हो किसी भी टाइम पे और इतनी जल्दी बन जाता है झटपट बनने वाली ये रेसिपी होती है यकीन करें तो पंद्रह बीस मिनट में आपकी जो रेसिपी है ना मुकम्मल जो है ना वो आपकी तैयार हो जाती है तो अच्छा मैं ये बनाने लगी थी ये थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी पहले वैसे मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ चॉकलेट वाली बनाऊंगी सारी फिर मैंने कहा चॉकलेट वाली शायद सारे ना खाएं थोड़ा सा डिफरेंट बना लेती हूँ मैं मैंने कहा आलू और जो है ना चीज़ डाल के ये मैं बनाती हूँ ना एक और एक जो है ना दो पीस जो है ना वो मैं चॉकलेट वाले भी बना लूँगी तो मैंने कहा ये मज़े के लगेंगे और वही बात बनी हमने और कश्यप ने हमने ये बड़े शौक से खाया था और चॉकलेट वाला भी जो था ना एक मैंने शाम को ले लिया था शहरी के बाद कॉफ़ी के साथ और एक मैंने सुबह ले लिया था इतने मज़े का मुझे लगा था ना चॉकलेट वाले तो दो बनाए थे छोटे छोटे से और ये वाले ये देखें कितने नाइस और कितने अच्छे लगते हैं बेसिकली ये जो होते हैं ना ये आपको एक ही कोई गोल्ड ट्रे या कुछ इस तरह की चीज में रखने चाहिए ताकि ये सीधे जो है ना फिर खड़े रहते हैं मतलब तो मैंने जो दो तो ट्रे में डाल दिए थे ट्रे में डालने से ये होता है कि ये जैसे वो कहते हैं ना फैल जाते हैं मतलब खड़े नहीं रहते वो फैल जाता लेकिन माशाला टेस्ट इतना मजे का था ना यकीन करें बहुत ही मजे का था तो हमने इफ्तारी में भी लिए थे कश्यप ने और मैंने तो उसामा को तो होता है कि उसको रैप चाहिए होता है और झीशान को तो मैंने झीशान ने बोला था कि मैंने आज पुलाव खाना है उसका पास्ता भी पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने रैप भी आज एक ही बनाया था ये देखे मैंने साथ ही जो है ना उसके भी बना लिए हैं चॉकलेट वाले भी दो पीस बना लिए हैं मैंने कहा चलें चॉकलेट वाले भी साथ ही बना लेती हूँ तो जितनी देर में मैं ये रखने लगी हूँ ओवन में आप जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से जो जो आपके करने वाले काम है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको घंटी बजने से पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो लगाई है और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें मैं हर रोज़ वीडियो में ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप छोटी सी कोई भी बात मेरे मैं चैनल से मेरी वीडियो में सीखते हैं तो प्लीज़ कोई भी अच्छा सा कमेंट जरूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो अच्छा जी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी उसामा का सिर्फ उसामा के लिए एक रैप बनाने लगी थी चिकन में ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो पहले ही बनाया हुआ था तो उसी में से बचा हुआ था थोड़ा सा मैंने कहा चले इसका रैप तो आज बन जाएगा तो अगर चिकन ना होता तो शायद मैं ना भी बनाती क्योंकि पाँ आज पिज्जे भी बनाने थे दो दो पहले सोच रही थी फिर एक ही बनाया था और वो भी यकीन करें वही बात है कि रमज़ान में इतना नहीं खाया जाता बंदे से तो शुक्र है मैंने ये डिसाइड किया कि एक ही बनाती हूँ फिर मैंने एक ही बनाया क्योंकि बड़े हुए थे मैं सोच रही थी कि ख़त्म हो जाए इसके अंदर मैंने मायानीज डाली है इसके अंदर कैचअप डाली है थोड़ी सी ब्लैक पेपर नौ... नमक तो वैसे ही ब्राए नाम जिसको कहते हैं ना वो डाला थोड़े से सैलड के पत्ते भी डाले हैं क्योंकि सिर्फ ही आप इस तरह की चीज़ें खाते रहे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती कोई वेजिटेबल कोई सब्जियाँ कुछ ना कुछ डालने चाहिए मैं तो वैसे अपने लिए बनाऊं तो मैं तो ढेर सारी सब्जियां वगैरह टमाटर हर चीज़ प्याज डाल के इसको मिक्स करके फिर बनाऊं लेकिन यह है कि बच्चों की मैं अपनी मर्जी होती है ज़ाहिर है मैं उनकी पसंद के मुताबिक ही बना देती हूँ तो ये देखें सामा के लिए माशा से उसका रैप इतने मजे का था ना बहुत ही मजे का था उसका रैप भी तैयार हो गया था तो यहाँ पर देख ले माशाल्लाह से अंदर से भी कितना नाइस और कितना अच्छा लग रहा था और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है जब आप मायनीज वग़ैरह डालते हैं या कैचअप डालते हैं तो वैसे ही टेस्ट उसका बहुत अच्छा हो जाता है तो ये देख लें हमारे जो स्नैक थे वो भी रेडी हो गए थे माशाल्लाह से तो दो चॉकलेट के मैंने बनाए थे और बाकी सारे दूसरे चीज़ और पटेटो वाले ऊपर से गर्म गर्म के ऊपर ना जब आप बटर लगाते हैं तो वो और भी उसका टेस्ट जो है ना वो कहते हैं कि उभर के आ जाता है इतने मज़े का लग रहा था कि साथ ही मेल्ट हो रहा था तो बटर जो मैंने लगाया था बटर मैं इसीलिए लेने गई थी कि कितनी चीज़ों में ज़रूरत होती है बटर की तो और मैं ब्रेड में भी सुबह लगाना होता है मैंने तो इसलिए भी मैंने कहा कभी कभी अगर ब्रेड खाने को दिल कर रहा तो बटर लगा के जो है ना तो दिल करता है कि बंदा लाइक ब्रेड को ना टोस्ट करके फिर खाए तो अभी मैं ये बनाने लगी थी इनके पिज्ज़े तो यहाँ पर ये मैंने बताया था जैसे कि बाहर से ये अंदर से पक बाहर से सारे पक्का हुआ होता है सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको रखना होता है और ऊपर टॉपिंग आप अपनी मर्जी से क्योंकि ये सारा मार होता है तो इसके ऊपर चीज़ वगैरह तो लगी होती है लेकिन बाकी टॉपिंग जो है ना आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो आज मैं और कश्यप जो है ना कोविड को जो था ना वो बहुत मतलब याद कर रहे थे उसके बारे में हम काफ़ी देर बात करते रहे वीडियो में तो मैंने थोड़ी देर बात की थी लेकिन हमने काफ़ी देर बात की थी कि कोविड से ज़िंदियाँ जो है मैं कहती हूँ कि बिल्कुल चेंज हो गई थी क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में हम लोगों ने चले कश्यप तो छोटी है मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में यानी कि कभी इस तरह का मतलब नहीं देखा था कि आप इस तरह अपने घरों के अंदर बंद हो गए हैं और इस तरह की सिचुएशन हो गई और इतनी डिप्रेशन इतना जो है स्ट्रेस हो गया लोगों में और इतना कुछ इतनी ज़िंदियाँ चेंज हो गई थी यकीन करें मैं तो कहती थी कि पता नहीं दुनिया अब खत्म ही हो जाएगी जो सूरत हाल बनी हुई थी तो इतना ज़्यादा यकीन करें तो बस तखबार मुझे अभी तक याद है कि कोई भी बाहर से आता था घर में अपने ही वो ही, अपने बच्चे अपने ही आ, सारे यानी कि आपके जो हैं रिश्ते सब को आप कोई भी अंदर एंटर होता था हम यही कहते थे कि नहीं कपड़े भी उधर ही उतारो लाइक अपने सॉक्स भी उधर ही उतारो जूते उधर ही उतारो अपने ऊपर से जो आपने जाका वगैरह पहनी है वो उतारो और सीधे वाशरूम में चले जाओ यकीन करें अभी तक नहीं भूलता इतनी टेंशन होती थी इस चीज़ से कि पता नहीं क्या बनेगा और मैंने उस कोविड के दौरान जो था ना मैंने बहुत ज़्यादा वेट जो था गेन कर लिया था कहते थे पार्क में भी ना जाएं जी लोगों को लाइक इसके अगर किसी को कोविड है तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो था ना बुरा एक्सपीरियंस था तो आज की हमारी इफ्तारी यही थी आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें इन शाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ अच्छी सी रेसिपीज के साथ फिर आपकी खिदमत में आऊँगी उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ओके बाय अल्लाह हाफिज़